आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्री की प्रॉब्लम। हमने इससे पहले कई वीडियो अपलोड कर दिया है ग्रुप थ्री कर, जो लोग नहीं देखे हैं जाके आप लोग देखिए। आज हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन लिया है। आपको जो ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसे हम सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर में आपको सोल्यूशन दे देंगे। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, आपका यूपी टीजीटी 2021 का है और जीआईसी 2015 का है, यूपी टीजीटी 2004 का है। लिखा कि लेट ए बी इन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एंड आपका आर्डर ए इक्वल टू लिखा है 30 एंड आर्डर ए की पावर 18 इज इक्वल, हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर लिखिए आर्डर ए की पावर 18 और ये हो जाएगा आपका जो ये दिया है 30, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप अपान में आपका लिखिए, ये आपका लिखिए जी सी डी और ये आपका है, ये आपका देखिए 18 और ये हो जाएगा आपका 30। तो इसमें देखिए जो आपका यह है 30 और यहाँ पर जो आपका जी सी डी निकलेगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6। इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 5। यही इसका आंसर हो गया। इसमें जो ऑप्शन देखिए आपका फर्स्ट एंड सेकेंड वाला आपका सही है। ओके, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है, देखिए ये दिया है आपका, ये क्वेश्चन है आपका यूपी टीजी 2013 का है। लिखा कि लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बी इन एलिमेंट ऑफ आर्डर, ये आपका है 12 दिया है, इन जी देन आर्डर ऑफ ए की पावर 8 दिया है, इज इक्वल बताना है। तो यहाँ देखिए जो आर्डर जो आपका है, आर्डर लिखिए ए की पावर 8 लिखिए, यहाँ पर जो आपका है 12 यानी 12 और यहाँ पर आपका जी सी डी लिखिए किसका, 8 और 12 का, मतलब 8 और 12 का, यहाँ हो जाएगा इसका जब लेंगे तो आपका इसका कितना आ जाएगा, आप देखिए ये हो जाएगा आपका 4, इससे आप डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3। इसमें जो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ये देखिए आपका लिखा कि इफ बी आपका इस्माल बी दिया है, बी ए एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप एंड ओ बी यानी आर्डर बी इक्वल टू आपका 20 दिया है, देन मतलब कि देन यहाँ आपका देन है, देन आर्डर ऑफ बी की पावर 15 यानी 15 आपका दिया है। तो यहाँ लिखिए आर्डर, लिखिए आर्डर ओ खाई लिखिए ओ और ए की बी की पावर आपका 15 दिया है यानी 15 दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है ए दिया है आर्डर, यहाँ पर लिखिए 20 और यहाँ पर आपका जी सी डी लिखिए, अब यहाँ पर आपका 15 और 20 का आप जीएसटी लीजिए, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 20 है और नीचे आपका हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 5। अब इससे आप डिवाइड करें कितना आ जाएगा आपका 4, जिसमें जो ऑप्शन आपका देखिए थर्ड वाला आपका सही है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, हमारी बहुत से वीडियो इसकी अपलोड हो जाके देखिए, बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।